आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, आपके पास एक रॉड गिवन है, रॉड मास m, एक ब्लॉक मास m, सेम मास के गिवन है, और ये रॉड और ब्लॉक कैसे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। रॉड किससे के थ्रू हैंग कर रहे, टू स्प्रिंग के थ्रू यहाँ पर हैंगिंग कंडीशन दिखा रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं इस समय सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम पर है। ओके, पहले हम इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यूज को शो कर ले, फोर्सी दिखा लेते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, एक वेट होगा एम इंटू जी। इक्विलिब्रियम पर है तो यहाँ पर एक टेंशन होना चाहिए, कितनी वैल्यू, टी इक्वल टू एम इंटू जी। ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर हो गया। यहाँ पर देखिए इस रॉड का एक वेट होगा एम जी, और क्या रहेगा इस स्ट्रिंग में एक टेंशन, टी इज इक्वल टू एम जी। आप देख रहे हैं कि इस रॉड पर डाउनवर्ड कितने फोर्स काम कर रहे हैं, एम जी एम जी टू एम जी। आप देखें कि ये सिमेट्रिकल स्प्रिंग अरेंज किए हैं, तो इस समय यहां पर हमारे पास फोर्स कितना होना चाहिए, एम जी एट इक्विलिब्रियम। स्प्रिंग फोर्स यहां पर कितना होना चाहिए, एम जी एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट यहां पे दिखाया है। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे इस स्प्रिंग में टेंशन की वैल्यू, तो आपकी एम जी एम जी इक्वल हो जाए। आप देख रहे हैं इसमें टोटल सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम पर है, टोटल आपके पास सिस्टम इक्विलिब्रियम। यहाँ पर कुछ इलॉन्गेशन होंगे, सपोज दैट यहाँ पे इलॉन्गेशन की वैल्यू मार्क कर दें। यहाँ पर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है आपके पास, सपोज दैट के वन। यहाँ पर इलॉन्गेशन आपके पास एक्स वन, चलिए इलॉन्गेशन हम यहाँ पे सेम ट्रीट कर लें, बोथ स्प्रिंग का इलॉन्गेशन आपके पास सेम है, और यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट के टू, इलॉन्गेशन आपके पास एक्स। ओके, अब क्वेश्चन ये क्या बता रहे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इनमें से एक स्प्रिंग को कट कर देते हैं। यहां से कट अप्लाई किया, अब ये कहते हैं फाइंड चेंज इन टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में अभी टेंशन कितना एमजी है, जब इसको यहां से कट कर देंगे तो इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू में कितना चेंज हो जाएगा, चेंज इन टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, चेंज कैलकुलेट करना। ओके, और इनका एज्यूम्सन है, एज्यूमिंग निगलेक्टिंग, इनका एज्यूम्सन क्या है, निगलेक्टिंग रोटेशनल इफेक्ट। तो आप सिर्फ ट्रांसलेशन तो काउंट कर सकते, रोटेशन आपको काउंट नहीं करना है। आप देखें जैसे हम इसको कट कर देंगे तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा, ये फोर्स डिसअपीयर हो जाएगा। इसको रिड्रॉ कर लेते हैं, आपके पास रॉड और एक फोर्स यहां पे काम कर रहा है mg, ये फोर्स डिसअपीयर हो गया। अब यहां पे कौन सा फोर्स है, mg, एक फोर्स यहां पर है, इसका वेट mg। सपोज दैट इस सिस्टम में टेंशन कुछ हम चूज कर रहे हैं, डिफरेंट टेंशन, इसमें कुछ टेंशन होगा, मान लेते हैं टी प्राइम। ओके, स्ट्रिंग हमारे पास अभी टाइट है, अब इसमें टेंशन की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। इस समय ये सिस्टम क्या होगा, टोटल सिस्टम हमारे पास ट्रांसलेशन, रोटेशन का इफेक्ट आपको काउंट नहीं करना, लेकिन ट्रांसलेशन कंसीडरेशन हो सकता है। इन फोर्सेज के थ्रू, जब आपके पास यहाँ पर एम जी फोर्स था, टोटल सिस्टम कैसा था, इक्विलिब्रियम पर था। जैसे इस फोर्स को हम रिमूव कर देंगे, इसको स्प्रिंग को यहाँ से कट अप्लाई करें, तो ये फोर्स यहाँ पर डिसअपीयर हो जाएगा। अब इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, जिसमें एक मोशन स्टार्ट होगा। सपोज दैट इस टोटल सिस्टम का एक कॉमन एक्सीलरेशन ए, जस्ट आफ्टर कट, जस्ट जैसे मैंने इसको कट किया, जस्ट आफ्टर कट इस सिस्टम में एक कॉमन एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है। अब देखिए डाउनवर्ड एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स डिवाइडेड मास ऑफ द सिस्टम, नेट डाउनवर्ड ए की वैल्यू कितनी होगी, यहां से दिस ई इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स कितने होंगे, दिस एम जी प्लस एम जी माइनस एम जी। तो नेट वैल्यू कितनी होगी, एम जी डिवाइड बाई टोटल मास एम प्लस एम टू एम, ये वैल्यू कैंसिल हो रही है। तो एक्सीलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी बाई टू। तो जी बाई टू से जब एक्सलेट करेगा, जब ये इक्विलिब्रियम पर था तो एक्सीलरेशन कितना था, जीरो था, एवरी पार्ट का एक्सीलरेशन जीरो। जैसे हमने इसको कट किया तो हमारे पास अनबैलेंसिंग फोर्स होगा, तो ये सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है।
अब यहाँ पर देखिए इसमें टेंशन कितना, यदि हम इतने पार्ट का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर ये कैसा होगा, एक टेंशन हो जाएगा ये टी प्राइम, और ये पार्ट भी आपके पास एक एक्सलेट करेगा इंडिविजुअल यदि फॉर्मेट में लिखना चाहे तो। इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कितना होगा, एम जी माइनस टी प्राइम दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए। टी प्राइम की वैल्यू कितनी जाएगी, टी प्राइम इज इक्वल टू एम जी माइनस एम इंटू एक्सटेंशन की वैल्यू कितनी है जी बाई टू। तो आपने देखा ये वैल्यू टोटल कितनी आ रही है एम जी बाई टू। स्टार्टिंग में आपने देखा था टेंशन का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टेंशन कितना एम जी है, जैसे इसको मैंने कट अप्लाई किया तो स्प्रिंग फोर्स डिसअपीयर हो गए। तो आपने देखा कि इस समय हमारे पास यहाँ पर टेंशन कितना हो रहा है एम जी बाई टू, चेंज इन। तो हमारे पास इस स्प्रिंग में टेंशन में कितना चेंज हुआ, मॉड के फॉर्मेट में लिख देते हैं डेल्टा की, मॉड मीन्स पॉजिटिव वैल्यू हमने निकाल ली। तो इनिशियल वैल्यू कितनी एम जी, फाइनल वैल्यू कितनी एम जी बाई टू, तो चेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी इज इक्वल टू एम जी बाई टू, इतना आपके पास चेंज हो गया। जब हम रोटेशन डायनेमिक्स में जाएंगे तब उस समय यदि हम इसको रॉड की लेंथ और डायमेंशन सबको स्ट्रीट कर दें और रोटेशनल का इफेक्ट यदि काउंट करना हो तब वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट आएगी। उस समय हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू, अभी एक्सेलरेशन कितना है जी बाई टू है, यदि हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका रोटेशन भी काउंट कर लेंगे तब वैल्यू ये डिफरेंट आ जाएगी, है ना। तो अभी हमारा यहाँ पे एजम्पशन था कि निग्लेक्टिंग रोटेशनल इफेक्ट, तो अपने से हम ट्राई करना और नहीं कि रोटेशन डायनेमिक्स चैप्टर स्टडी करने के बाद इस प्रॉब्लम को रोटेशन इफेक्ट काउंट करके सॉल्व कीजिए और कुछ लेंथ इसकी डायमेंशन आप चूज कर सकते हो। ओके।